काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना, फिर चाहे वो स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड में हो या फिर किसी डेट फंड में हो। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको करना है तो उसके अंदर आपको सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, साथ ही साथ आपका जो करंट स्टेटस है उसको भी आपको साथ में रख के इस चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको अपन मोटे मोटे तरीके से देखेंगे और जो ब्रॉड स्टेप्स होती है किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपको ध्यान में रखने के लिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसको करने से पहले आपको तीन चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अगर आप ये तीन चीज़ सुनिश्चित करते हैं उसके बाद ही आप अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान में क्या आता है? सबसे पहले ध्यान में आता है कि इन्फ्लेशन को बीट करना, जो महंगाई दर है उससे आपको उबरना है, जो आपका सेव किया हुआ अमाउंट है उसको आपको इन्फ्लेशन से बचाना है और फ्यूचर में उसका वैल्यू कम ना हो उससे आपको सेव करना है। उसके लिए लोग जनरली जो अपना लिक्विड मनी होता है उसको या तो सेविंग बैंक में रखते हैं या FD में रखते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पैसे को आप FD में रखने के बाद भी इन्फ्लेशन से बचा नहीं पाते हैं और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होते जाता है। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट ढूंढने पड़ेंगे जो आपको आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, GDP प्लस इन्फ्लेशन रेट, जो रियल ग्रोथ रेट है उससे आपको ज़्यादा का रिटर्न दे। अब यार दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखने की है वो होता है इमरजेंसी फंड। तो अगर आप कोई एम्प्लॉय है या फिर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो दोनों केस में आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो 3 महीने से लेके 1 साल तक का आप इमरजेंसी फंड रख सकते हैं, और लेकिन अगर आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, आप अगर डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या आपकी कोई खुद की दुकान है तो फिर आपके पास कम से कम मिनिमम 2 साल तक का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसको आप बहुत ही ज़्यादा लिक्विड वे में रखें, या तो आप लिक्विड डेट फंड में रख सकते हैं या FD में रख सकते हैं जो कि ईजिली एक्सेस हो। आपने जनरली देखा होगा जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें नहीं खुल पाई हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं या फिर कोई एम्प्लॉई है जिनको भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठना पड़ रहा है। हमेशा आप अपने पास ये इमरजेंसी फंड रखें जिससे ज़रूरत के समय आपको ये काम आ सके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो। तो आइए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। आपने जनरली देखा होगा कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो पूरी की पूरी तहस नहस हो जाती है अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई लाइफ थ्रेट आ जाए। तो इससे बचने के लिए आपको इंश्योर होना ज़रूरी है और आप एक लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लें। मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो पूरे परिवार का लिया जाता है ताकि आपके परिवार में कोई भी बीमार पड़े तो आप उसको इंश्योर कर सकें। साथ ही साथ जो लाइफ इंश्योरेंस है वो फैमिली के अंदर अर्निंग मेम्बर का लिया जाता है ताकि जो अर्निंग मेंबर है उसके जाने के बाद जो बाकी की फैमिली है उसका ध्यान रखा जा सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब ये तीन बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के बाद आपका वेल्थ क्रिएशन वाला पार्ट आ जाता है। अब इसके अंदर आपको पूरा पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी वेल्थ को अच्छी तरीके से ग्रो कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर अपन सबसे पहले जाते हैं टैक्स प्लानिंग के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका करंट स्टेटस क्या है, आपकी इनकम क्या है और आपके एक्सपेंडिचर्स क्या है। कोई लोन तो नहीं है आपके ऊपर, कोई कार का EMI या फिर कोई अदर डिपेंडेंसीज तो नहीं है जो आपको इस समय करना ज़रूरी है, कोई एजुकेशन लोन हो उसको चुकाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स आप देखने के बाद अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली ताकि आप उसका अच्छे से अच्छा बेनिफिट उठा सकें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स ऐसी हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट पा सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। NPS जैसी स्कीम्स हो, PPF जैसी स्कीम्स हो या फिर सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम्स हो, ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की है जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री है और आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी कॉर्पस क्रिएट करके दे सकती है। साथ ही साथ इन स्कीम्स के अंदर आपको फ़ायदा ये मिलता है कि इसके अंदर आपको टैक्स रिबेट मिलता है और आप इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं अपना टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अभी तक तो इनको ATC के अंदर रखा है और किसी किसी को ATCCD के अंदर भी रखा है, लेकिन आने वाले समय में आपको देखना होगा कि ये उसके अंदर अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा।
अब ये सब चीजें पूरी तरीके से इंश्योर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है गोल बेस्ड प्लानिंग। अब गोल बेस्ड जो प्लानिंग होती है उसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका रिस्क कैपेटाइट क्या है। तो अगर आपका एज कम है तो आप इक्विटी की तरफ ज्यादा जा सकते हैं, अगर आपका एज थोड़ा ज्यादा है तो आपको डेट भी साथ में शामिल करना पड़ेगा, और किस तरीके से आप इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिठा के अपने लिए बेस्ट तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आप यंग साइड में है तो आपका इक्विटी की तरफ एक्सपोजर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, डेट की तरफ थोड़ा कम होना चाहिए। साथ ही साथ आपको गोल्ड का एक्सपोजर रखना भी जरूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 2 सालों के अंदर गोल्ड ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट, तो कुछ परसेंटेज एलोकेशन आपको गोल्ड की तरफ भी रखना चाहिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से एसेट एलोकेशन को फॉलो कर सके और लॉन्ग टर्म में आपको इसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अब आपने ये तो देख लिया कि आपका रिस्क कैपेटाइट क्या है, इसके बाद बात आती है कि अगर आप इक्विटीज के अंदर जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें या स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो देखिए, अगर आप कोई जॉब करते हैं ऑलरेडी या फिर आपका और कोई प्रोफेशन है तो ये ज्यादा सही रहेगा अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे और किसी और को अपना पैसा मैनेज करने के लिए देंगे ताकि आपको उसके ऊपर ध्यान रखना ना पड़े और आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली उसको ट्रैक कर सके सिर्फ उनसे बात करके या मीटिंग्स करके। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर जाते हैं तो वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, उसके अंदर आपका जो एक्सपोजर है वो डायरेक्टली स्टॉक्स की तरफ होता है और आपको खुद उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी तरह से। तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के लिए और अपने सारे स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनको प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आते हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो को समअप कर लेते हैं और जान लेते हैं किस किस बारे में अपन ने बात करी है इस वीडियो में। सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको कभी भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। दूसरी चीज़ आ जाती है इमरजेंसी फंड के बारे में, हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी फंड रखें जिसके अंदर 6 महीने से लेकर साल भर तक का आपके पास एक फंड हो जो आपका जॉब लॉस के समय या कोई परेशानी के समय काम आ सके। तीसरी चीज आ जाती है इंश्योरेंस के बारे में, तो आप हमेशा अपने पास एक लाइफ इंश्योरेंस रखें अगर आप फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं, और अगर आप फैमिली के अर्निंग मेंबर नहीं है तो आपके पास मेडिक्लेम तो होना ही चाहिए। इसके बाद बात करी थी अपन ने टैक्स प्लानिंग के बारे में दोस्तों, तो इसके अंदर आप सबसे पहले अपना करंट स्टेटस देखिए कि आप कहाँ लाए करते हैं और आपका टैक्स का ब्रैकेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री। साथ ही साथ इसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। अगले पॉइंट पे जाते हैं, अगले पॉइंट पे अपन ने बात करी थी गोल बेस्ड प्लानिंग के बारे में, तो अगर आपके पास कोई गोल है रिस्पेक्टिव, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आपका मैरिज का गोल है या फिर आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं या आपको घर खरीदनी है गाड़ी खरीदनी है, ऐसे कुछ गोल्स हैं तो उनके गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं। उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली इक्विटी में जाना चाहते हैं या फिर आपके अंदर डेट भी रखना है, प्रॉपर एसेट एलोकेशन को मेंटेन करना है तो उसके अंदर आपको गोल्ड को भी कंसिडर करना है। तो आप ये प्रॉपर एसेट एलोकेशन को मेंटेन करिए ताकि आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट होकर मिल सके। तो यार ये कुछ मेरी तरफ से पॉइंट्स थे जो कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट करिए मुझे और बताइए कि आप किस चीज़ के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।